अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मौसम अच्छा था, मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों के साथ सियासत के ऊपर। धूप भी आ गई है, हम भी बाहर आ गए हैं सर्दी से बचने के लिए। इसी तरह इलेक्शन आ गए हैं और हमारे नुमाइंदगान भी बाहर आ गए हैं वोट के लिए। अब ये बड़ी बड़ी चार पाँच छः गाड़ियों में आती हैं, एक गरीब के पास कहते हैं हमें वोट दें, हम आपकी गली बना के देंगे, यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, रोड बनाएंगे। पिछले इतने सालों से इन्होंने कुछ नहीं दिया। हम सुनते सुनते बड़े हो गए, हमारे बुजुर्ग बहुत हो गए, लेकिन इन सियासतदानों ने हमें सिवाय गुलामी के कुछ नहीं दिया। अब आपके पास नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, उनको मौका दें ताकि वो आएँ उस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए बड़ा अच्छा कोई काम करें। नहीं तो वही गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, वही लोग आएंगे। पढ़े लिखे बंदे को वोट दें, जागीरदारा निज़ाम से बाहर निकलें, और जो ये वक्ती तौर पर मौसमी जो बाहर निकलते हैं ना वोट के लिए, इनसे बचें। और पढ़े लिखे आवाम को, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपके शहर के लिए बेहतर हैं, जो तरक्की लेके आएंगे। ऐसे लोगों को ना लें जो सूरत हाल को देख के बाहर निकलते हैं। अभी फ्लड में कोई बाहर नहीं आया, हर कोई अपने लाहौर इस्लामाबाद के घरों में था या अपनी ज़मीनों को बचा रहा था। आप लोगों की पहचान रखें, जो लोग उस वक्त साथ थे आप उन्हें साथ दें, और उनके निशान को अपना निशान बनाएं, और शहर की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, और ग़ुलामी से बाहर आएं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।